वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल का। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूं। कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, साथ ही कैसे आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का आता है, आप देख सकते हैं केश कांति का। ये जो पतंजलि का हेयर ऑयल है ये इस तरीके का आता है बॉक्स में, एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 120 ml क्वांटिटी है। प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 130 रुपीज इसका प्राइस है, यानी कि ये काफी अफोर्डेबल है एंड काफी आपको अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। 130 रुपीज में आपको 120 ml क्वांटिटी मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से एक ग्रीन कलर के एंड व्हाइट कलर के इस बॉक्स में इसको पैक किया गया है, एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हेयर ऑयल है ये क्लेम क्या क्या करता है। तो इसका जो पहला क्लेम है वो है ये स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर रूट्स को, यानी कि आपके बालों की जो जड़ें होती हैं उनको ये मजबूत बनाता है। और ये क्लेम करता है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, यानी कि जो बाल आपके झड़ते हैं उसकी प्रॉब्लम को ये दूर करता है, एंड ये आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, यानी कि जो आपके एंड्स होते हैं जो बालों के उनके दो मुंह के अगर हो जाते हैं तो वो उस प्रॉब्लम से भी ये आपको छुटकारा दिलाता है। ये आपके स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होती है उससे प्रिवेंट करता है, और ये आपके जो ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम होती है यानी समय से पहले जो आपके बाल व्हाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो ये जो हेयर ऑयल है ये सब ये क्लेम करता है। आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो क्लेम्स हैं ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको यूज किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा मुझे एक्सपीरियंस मिला 2 मंथ यूज करने के बाद इस हेयर ऑयल को। इसकी शेल्फ लाइफ आपको 2 साल की मिलती है, यानी 24 मंथ तक आप इसको इजिली यूज कर सकती हैं। एंड नाउ बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, बाकी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगी। यूज किए गए हैं 21 इंग्रेडिएंट हैं ये, एंड 21 के 21 आपको आयुर्वेदिक मिल जाते हैं, यानी कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है इसमें। इसके जो इंग्रेडिएंट है उनमें ब्राह्मी होता है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है बालों की ग्रोथ के लिए। इसमें आंवला होता है जो आपके बालों का कलर होता है उसको मेंटेन करता है, यानी ग्रेइंग हेयर की जो प्रॉब्लम होती है उससे प्रिवेंट करता है आंवला, और आपके बालों का कलर एकदम लंबे समय तक काला रखता है। एंड इसमें भृंगराज है, मेहंदी है, नीम है, बहड़ा है, हरर, गिलोय, घृत कुमारी, नाग केसर, हल्दी और कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, इन सब का यूज किया गया है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे गाइस आयुर्वेदिक है, कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। इसमें ओनली एक केमिकल का यूज किया गया है, वो BHT जो कि प्रिजर्वेटिव होता है, जो सभी तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, उसका इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सुंदर सी अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। जो हेयर ऑयल है वो यहाँ पे आपको थोड़ा मस्टर्ड कलर का मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, एंड ऊपर भी यहाँ पे पतंजलि की ब्रांडिंग है, एंड पीछे यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है जो उसी बॉक्स पे थी। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इस ऑयल को लगाने के बाद मुझे कैसा फील हुआ। इस ऑयल को लगाने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू 2 to 3 months तक यूज करते हैं तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप इसको 2 to 3 months तक यूज करते हैं। अगर आप इसको 1 month या 1 month से कम टाइम के लिए यूज करते हैं तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू कंसिस्टेंटली इसको 2 to 3 months तक यूज करना है, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड इसको यूज करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके क्लेम्स को बता देती हूँ कि इसके क्लेम्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो सबसे पहला जो क्लेम था वो ये था कि ये आपके जो रूट्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, यानी कि उनको मजबूत करता है, आपके जड़ों को, बालों की जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत करता है। तो उसके अगर हम बात कर ले तो अगर आप इसको ढंग से अप्लाई करते हैं अपने स्कैल्प में, अच्छे से उंगलियों से पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करते हैं इसकी, ओवरनाइट अगर इसको रहने देते हैं अपने बालों में ही, तो ये डेफिनेटली आपके रूट्स को मजबूत करेगा और आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसको भी कंट्रोल करेगा। सेकेंड जो इसका क्लेम था वो था कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बट कंसिस्टेंट रह के इसको यूज करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। ये कोई मैजिक नहीं करता कि आप 2-3 दिन लगा लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि मेरा तो हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। 2 to 3 months तक इसको यूज करना होगा, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।
एंड बात कर लेते हैं थर्ड क्लेम की, जो ये कंपनी क्लेम करती है कि ये आपके ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि आपके समय से पहले जो बाल व्हाइट हो रहे हैं या फिर 40 की एज के बाद आपके बाल व्हाइट होने लगे उसकी प्रॉब्लम से आपको प्रिवेंट करता है। ये बेनिफिशियल है ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जिनको भी ग्रेइंग हेयर यानी समय से पहले जिनके भी बाल व्हाइट होने लग रहे हैं तो उनको ये डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। आपको 2 से 3 महीने लगाने के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि जो आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे थे वो होना बंद हो गए हैं, आपके और ज्यादा बाल ग्रे नहीं होते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये इस चीज में बिल्कुल सही साबित होता है, यानी कि ये ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है। नेक्स्ट जो क्लेम है ये है कि ये स्प्लिट एंड्स को, जो स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा दिलाता है। इसके लिए मैं गाइस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए बोलूंगी। आप लॉन्ग टाइम तक इसको यूज करते हैं तो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम थोड़ी धीरे खत्म होगी, यानी कि स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम के लिए आपको कम से कम 5 to 6 months इसको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस ये इसके क्लेम्स की बात थी, मोस्टली इसके क्लेम्स हैं वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। काफी लोगों से मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में पूछा है और मैंने खुद भी यूज किया है, तो इसके जो रिव्यूज हैं मुझे 99% पॉजिटिव ही मिले हैं, नेगेटिव नहीं मिले हैं दोस्तों। तो आप इसका हेयर ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने पाम पे लेना है और अच्छे से मसाज करनी है। एक बात ध्यान रखना है, इसकी जो मसाज है वो रूट्स में भी करनी है और यहाँ पे जो एंड्स होते हैं इधर भी करनी है, ताकि ये जो हेयर ऑयल है ये अच्छे से आपके बालों में लगे और एंड इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सके। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से यूज करना है। गाइस ये थी हमारी आज की ओवरऑल वीडियो। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो मैं उसी के लिए नेक्स्ट बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।